आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे कि एक शीट से दूसरे शीट पे हम डेटा कैसे भेजेंगे, इसके बारे में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले जानिए कि एक सेल पे, क्योंकि इसे एक टॉपिक में पहले ही बताया था, फिर भी मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ कि एक सेल पे कोई डेटा आप कैसे टाइप करेंगे, पहले इस चीज़ के बारे में जानिए। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ A1 में कुछ टाइप करना है, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम उसके लिए माइक्रो बनाते हैं। यहाँ पे हम देते हैं रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम। यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे डॉट वैल्यू लगा दें या कुछ ना लगाए या फॉर्मूला लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं किसी और सेल जैसे इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर डालना चाहता हूँ तो कैसे होगा? उसके लिए यहां पे नेम के जगह पे रेंज T1 डॉट वैल्यू होगा। लेकिन मान लीजिए मुझे C2 के A1 पे डालना है, तो यहां रेंज से पहले मुझे शीट्स और यहां पे शीट का नेम की C1 डॉट वैल्यू करना है। लेकिन अगर आपके पास फाइल से मुझे Book 1 के C1 पे करना है तो यहाँ इसके आगे लिखेगा वर्क बुक्स, ये दोनों तरफ लगाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ Book 1 डॉट XLS X या M जो भी आपका है डॉट सीट डॉट नेम, और फिर इसी सेम इधर भी आपको लगाना होगा, वैल्यू चली जाती है। तो अब आज जो हम प्रोजेक्ट आपके साथ करने जा रहे हैं वो प्रोजेक्ट ये है कि मेरे पास एक डेटा शीट है जिसमें ये हमारा एक आईडी है जो कि ऑटोमेटिक जनरेट होती है, दूसरा यहाँ डेट है और यहाँ पे हमारा टाइम है, फिर नेम है, इसी रिकॉर्डिंग मैंने भेजा था, सिटी है और यहाँ अमाउंट है। फिलहाल तो इतना ही रखते हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, लेकिन फिलहाल हम इतना ही रखते हैं। तो यहाँ पे हम देते हैं फॉर्म, यहाँ पे हमारा फॉर्म है और फॉर्म एक डिजाइन कर लेता हूँ मैं, जैसे कि नेम ये ऊपर बहुत हो गया हमेशा, नेम वैसे मैं पूजा डालू यहाँ पे सिटी में, यहाँ पे दिल्ली डालता हूँ और यहाँ अमाउंट डालता हूँ, ठीक है। तो अब जब मैं एक बटन यहाँ बनाऊंगा, मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा, मैं जैसे उस बटन पे क्लिक करूँगा डेटा मुझे यहाँ पे ट्रांसफर हो जाना चाहिए, और जब भी क्लिक करूँ तो एक के नीचे और एक आईडी ऑटोमेटिक जनरेट करें और यहाँ पे डेट टाइम जिस समय डलेगी और यहाँ इसके साथ बाकी डिटेल्स भी फिल हो जाए। तो प्रॉब्लम सबको समझ में आएगी, क्या करना है हमें? कोई ऐसा है जिसको क्या करना है वो समझ में ना आया हो? नहीं सर, प्रॉब्लम क्लियर है सर।
हेलो जी बोलिए। तो यहाँ पे एक मिनट, हेलो बोलिए बोलिए। सर दो पार में कॉल कीजिए, मैं उस पीसी पीसी में वीडियो है और दो पार में उस पर रहता हूँ। ठीक अभी मैं क्लास में हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, क्लास पर फिर कॉल करता हूँ। तो यहाँ पे बटन बने उस पर क्लिक करें। चलिए अब इस पर हम बात करते हैं। तो इसके लिए एक माइक्रो हम बनाते हैं यहाँ पे सेंड का। सबसे पहले मुझे आईडी क्रिएट करनी है यहाँ से। तो कैसे होगा, अगर हम एक्सेल की बात करें तो यहाँ पे हम मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, मैक्स, और इसको सिलेक्ट करेंगे, इसमें हम प्लस वन कर देंगे, मैक्स प्लस वन। जैसे यहाँ आईडी डालेंगे मैक्सिमम नंबर प्लस वन करके अगली आईडी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो इस चीज को वीवीएम में कैसे करेंगे देखिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे आईडी, एक आईडी वेरिएबल ले लेते हैं, ऐसे ही जैसे हम मैथमेटिक्स में लेते हैं, एप्लीकेशन वर्कशीट फंक्शन डॉट मैथ्स, और यहाँ पे हम देंगे शीट्स डेटा डॉट रेंज, यहाँ पे ए के साथ के ले लिया। ये क्या करेगा कि डेटा शीट से रेंज, अब देखिए यहाँ पे वर्कशीट फंक्शन क्यों लगाया गया, तो एक्सेल के बहुत सारे फॉर्मूले आप वीवीएम में लगा सकते हैं। दो तरीके हैं, जैसे कि कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं, जैसे कि लेन हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, ये जैसे लिखेंगे तो नीचे एक्सप्रेशन आ जाएगा। एक्सप्रेशन आ गया मतलब कि फॉर्मूला वीवीए को सपोर्ट करता है, नहीं आया मतलब कि वीवीए को सपोर्ट नहीं करता है, तो उसको हमें इस मेथड से लगाना होता है, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स। बट यहां जो इनपुट देंगे वो वीवीए मेथड से देंगे, ऐसा नहीं कि एक्सेल की तरह आप ए बाई ए कर दे, ये नहीं, हमें यहां सीट के साथ रेंज के साथ इस तरह से लिखना होगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करके आई पे आएगा। अब मुझे डेटा सीट में सबसे लास्ट में एंट्री करनी है, तो सबसे लास्ट में जाने के लिए याद है लास्ट टू लास्ट क्लास से बताया था कि हम नीचे से ऊपर जाएंगे फिर ऑफसेट की मदद से एक नीचे आएंगे, समझे। तो यहां लिखेंगे कि रेंज, समझिएगा ध्यान से क्योंकि इसको पूरा आपको करना है, डॉट एंड एक्सलेश अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आईडी। रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू आई डी, राइट सर। तो ये क्या करेगा, इसमें आईडी डाल देगा आपका। मैं इसको एक बार रन करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि आईडी, तो यहां आप देखेंगे यहां पे को डाल दिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे सीट का रेफरेंस नहीं दिया था, गलती हो गई, यहाँ पे शीट हमें डेटा करना है, आईडी नहीं डालना है मुझे, आईडी प्लस वन मतलब कि आईडी अगली आईडी आईडी है ना यहाँ पे, हमें इसको एक मिनट में छोटा कर लेता हूँ। हाँ इसको जब मैं रन करूंगा आप देखेंगे कि यहाँ पे डेटा शीट में वन आ गया। ये लाइन समझ में आ गया आप लोगों को, किसी को डाउट है। हेलो क्लियर है सर? किसी को डाउट तो नहीं है ना, नहीं अगला है हमें टाइम के लिए, डेट के लिए, सॉरी अगला क्या है, डेट के लिए। सर
दोनों को एक साथ इस तरह से कर देता हूँ ताकि मैं कोड भी लिखूंगा तो वो दिखेगा आपको। अब यहां पे मुझे चाहिए तो मैं यहां पे दूंगा रे, यहां पे इस किसी को कोड कर, किसी को कॉपी कर लेता हूं आईडी प्लस वन के जगह पे यहां पे होगा डीट, क्या होगा अब यहां पे वन नहीं, यहां पे जीरो होगा और यहां वन होगा कॉलन में। अब बोलोगे ऐसे ऐसे क्यों, क्योंकि हमें जो डेट डालना है यहां पे डालना है ना, तो मतलब कि हम यहां नीचे से ऊपर आएंगे और यहां से ऑप्शन की मदद से फिर वापस नीचे नहीं, मुझे आगे जाना है। और जैसे कि मैंने बताया था कि ऑफसेट में यहां पे रो होता है, यहां पे कॉलम होता है, तो मुझे रो सेम रखना है बट अगली कॉलम में जाना है। इसको रन कीजिएगा तो यहां देखिएगा कि डेट यहां लग गया, क्लियर है? कोई डाउट इसमें सर आप लोगों को? अब मुझे डेट की जगह पे टाइम चाहिए, बट टाइम का कोई फॉर्मूला तो नहीं होता है, बट नाउ होता है जो कि डेट और टाइम दोनों को देता है। तो मैं यहां पे फॉर्मेट फॉर्मूले के अंदर यहां हम नाउ को लिखेंगे और यहां डी डी स्लैश एम स्लैश वाई वाई इसको करके, इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी यहाँ पे दो नहीं, यहाँ पे दो देना होगा। हाँ इसमें एच एम देंगे ना सर, आपको डेट हाँ लिखे। माफ कीजिएगा, छोटी सी गलती हो गई यहाँ पे। ऐसा सुबह 5 बजे से क्लास कंटिन्यू दे रहा हूँ सर, तो थोड़ा सा दिमाग लग रहा है, हिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए आ गया, क्लियर है? सर फॉर्म में आते हैं। अब अगला जो यहाँ पे मुझे देना है, मतलब कि यहाँ पे जो हम थ्री देंगे तीसरा कॉलम में, ये देंगे बी थ्री का रेंज बी थ्री डॉट वैल्यू। अब आप बोलेंगे कि मैंने यहां तो कंप्लीट नेम दिया हुआ है, इससे पहले एग्जाम्पल में बताया था कि दोनों तक पूरा पास लिखना पड़ेगा, बट यहां मैं सिर्फ रेंज बी थ्री लगा दिया, क्यों? इसके लिए रीजन ये है कि ये जो माइक्रो है मैं यहां से रन नहीं करूंगा, इसके लिए मैं यहां बटन बनाऊंगा, बटन पे क्लिक होगा उसके बाद माइक्रो परफॉर्म करेगा। जब बटन पे क्लिक करेगा तो फॉर्म शीट एक्टिव ही होगा, तो ये रेंज जो है बाय डिफॉल्ट हमारा एक्टिव शीट को ले लेता है, डिफॉल्ट जो है एक्टिव शीट को ले लेता है, तो इसमें रेंज देने की जरूरत नहीं है, बट आप दे भी सकते हो शीट, पूरा शीट डेटा रेंज दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, राइट? इसको कॉपी करके नीचे की तरफ पेस्ट करता हूं, यहां मैं देता हूं 4 और B3 की जगह पे हो जाएगा B6, और फिर यहां पे पेस्ट किया ये हो जाएगा B6 की जगह पे B10, और यहां भी 4 3 4 यहां पे कर दूंगा 5, ठीक है 0 1 2 3 4 5। अब डेटा सेव, इसको क्लीन भी करना है ना, मैं डेटा सेव हो गया उसकी उसका कंफर्मेशन देना है, MSG बॉक्स क्या देना है कि योर डेटा है सेव, राइट सर? अब मैं इसको रन करूंगा यहां पे लगा कर, पहले पहले डेटा क्लियर कर देता हूं मैं, यहाँ पे हमने यहाँ से क्लियर कर दिया इसको, सारा सीट पे गए, और यहाँ रन करने के लिए हमें माइक्रो चाहिए तो डेवलपर टैब से इंसर्ट बटन ले लेता हूँ मैं और यहाँ पे इसको ड्रैग कर देता हूँ, फिर माइक्रो असाइन कर दिया सेंड,
और यहां पे हमने बटन दे नाम दे दिया बटन वन की जगह पे सेंड। अब देखिए जैसे इस पे क्लिक करूंगा मुझे मैसेज देगा डेटा हैव सेव्ड, और यहां देखिएगा कि मैसेज में आपका डेटा यहां पूरा सीक्वेंस में अरेंज हो गया। बट मैंने इसको ब्लैंक नहीं किया कि मैं दूसरा कैसे फॉर्म भरूंगा, तो मैं इसके नीचे दूंगा कि रेंज B3, B6, B10 कस्टम रेंज सिलेक्शन ले लूंगा मैं यहां पे। डॉट क्लियर कंटेन, क्लियर करेंगे तो पूरा फॉर्मेटिंग वगैरह भी हो जाएगा, तो क्लियर कंटेंट्स करना है। अब मैं यहां पे मान लीजिए कि दूसरी एंट्री करता हूं नीरज, गली नहीं मेरा पुणे है, और यहां पे अमाउंट हम डाल देते हैं। अब जैसे मैं इसको सेंड पे क्लिक करूंगा मैसेज देगा यहां क्लीन हो गया और डेटा में जाइए दूसरा रिपोर्ट आपके सामने है। सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। ऐसे में तीसरा इनपुट करूंगा जैसे मैं उदय पटना और अमाउंट हमने दे दिया और इसको सेंड पे क्लिक करूंगा ओके। यहां देखिए आपके सामने ओके। अब बताइए इस कोड में कोई कंफ्यूजन या किसी तरह की प्रॉब्लम है किसी को? हाँ हेलो, हाँ पूछिए, बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ सुनिए सर, प्रीतम बात। हाँ प्रीतम जी, 55 दिया यहाँ पे, हम अगर हम ये जैसे कॉलम फर्स्ट में तो सही है, लेकिन हम बी बी दे सकते हैं अगर क्या डबल क्या बोल समझ में आया मुझे? मैं कह रहा हूँ जहाँ पे आपने ये रेंज दिया ना ये 65, नहीं बी दीजिएगा तो कंफ्यूज दिक्कत है, क्योंकि आपका मान लीजिए किसी ने फॉर्म भरा होम, अब फॉर्म में जरूरी थोड़ी कि सारा इन्फॉर्मेशन होता ही है, किसी ने सिटी नहीं डाला होता है ना सर, तो सेंड होगा तो डेटा सेंड हो गया। तो अगली बार अगली जो एंट्री होगी, अब मान लीजिए अगली एंट्री मैं यहाँ पे करता हूँ योगेश, और अगली एंट्री मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ सिटी में यहाँ पे ओम, और यहाँ पे हमारा आ जाता है मैनेजिंग अमाउंट। अब अगली बार जो यह सिटी में जो हमने मुजफ्फरपुर डाला है, मैं अपना सिटी डाल लेता हूँ, तो क्या होगा सेंड करने के बाद तब ये यहाँ जाके एंट्री हो जाएगा, क्योंकि जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पटना में जाके रुकेगा। समझ गया ना? तो अब क्या है, अब दिक्कत नहीं होगा, मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ ओके। अब देखिए ये डेटा यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, समझ गया, क्लियर है? और किसी को डाउट? यस सर क्लियर है। नीरज जी, कुंदन जी, प्रीतम जी, तोषनायन जी, वीर सिंह जी आज नहीं आए ना, एकता जी को डाउट? चलिए अब डाउट नहीं है तो इसको रेफरेंस में लेते हुए आप लोग इसकी कोड की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोड की स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले खोलना है गूगल, हम लोग जो गूगल बाबा बोलते थे पहले, अब गूगल बोलने लगे हैं। और यहां पे आप फॉर्म टाइप करके एंटर करें, फॉर्म को सर्च करें, फॉर्म सर्च करो, फिर इमेज पे चले जाए। अब इसमें से जो फॉर्म आपकी सुटेबल लगता है कि मैं ऐसा फॉर्म बना सकता हूं, समझे,
मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही बनाना है, जो फॉर्म आपको लगता है कि एसएससीसी फॉर्म ले लीजिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म है आपका, ऐसे और भी बहुत सारे फॉर्म हैं जो लगता है कि आप इसको बना सकते हैं, चाहे वो नॉर्मल हो या कॉम्प्लिकेटेड हो, मैं नहीं बोल रहा है। ऐसा फॉर्म डिजाइन करना है और उसका डेटा अगले सीट पे स्टोर कराना है, क्योंकि मैंने तो आपको जैसे यहाँ पे एक सिंपल सा दे दिया है ना सर, सिंपल सा दे दिया है ना, सिंपल सा यहाँ पे फॉर्म दे दिया है, बट आपको एक एक्चुअल में फॉर्म जो ऑफिस वगैरह में जिसका यूज करेंगे, ऐसा फॉर्म बनाना है सीट के ऊपर, यूजर फॉर्म के ऊपर नहीं, सीट के ऊपर, राइट। और फिर आपको उस पर कोड करना है और फिर उस कोड को एक एक सीट से दूसरे शीट में कन्वर्ट करना है। नोट कर लिया आप लोगों ने क्या करना है? हेलो एकता जी, यस सर, समझे क्या करना है? क्योंकि इस एग्जाम्पल मैंने जो बनाया, छोटा सा एग्जाम्पल बनाया, बट आप एक बनाएंगे अच्छा सा फॉर्म जो ऑफिस में होता है। मदद के लिए आप गूगल पे, गूगल इमेज पे सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म होगा, 8-10 फॉर्म को देखिएगा, आपको लगता है कि मैं ये फॉर्म बना लूंगा, डिजाइन कर लूंगा, तो ऐसे फॉर्म को डिजाइन करके और आप उस पर कोड डालेंगे और उसकी डेटा दूसरे सीट पे स्टोर कराएंगे। ओके, अब अगला क्वेश्चन है। अभी क्या है कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डेटा हमारे इस सीट में आ जाता है। अब आपको एक और मैक्रो बनाना है, उसी मैक्रो में मॉडिफाई करना है आपको, दूसरा मैक्रो बना के, कि ये जो डेटा है ये डेटा इस सीट में ना होगा, ये डेटा होगा किसी फोल्डर में, किसी फाइल के अंदर। मतलब कि आपका फॉर्म का फाइल अलग है और सीट का फाइल अलग है, डेटा का फाइल अलग है, और आपको उस फाइल से डेटा उस फाइल में भेजना है। और कैसे होता है उसके हर एक कोड आपको पता है, बस आप इंप्लीमेंट कीजिए। फाइल ओपन करना पता है, एक फाइल से दूसरे फाइल में सीट भेज, डेटा भेजना भी पता है आपको, मैंने बताया है अभी जस्ट थोड़ा पहले, जो स्टार्टिंग में सुझाव में बताया था मैंने आपको, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करके मुझे भेजिए, फिर मैं कल उसी के अकॉर्डिंग क्लास और एग्जाम्पल मैं डिजाइन करूंगा। ओके, किसी को किसी तरह का डाउट है तो पूछ लीजिए।